हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम जा रहे हैं आलू की एक नई रेसिपी बनाने। तो उसके लिए हमने चार उबले आलू ले लिए हैं, उनके हम छिलके निकाल देंगे। तो हमें आलूओं को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, मतलब कि एकदम गीला नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम आलूओं को उबाल लेंगे। और फिर उसके बाद आप चाहें तो आलू को उबालने के बाद उसे फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखने के बाद दूसरे दिन बनाएं तो इसकी रेसिपी बहुत ही और अच्छी बनती है। तो हम आलूओं को पहले एकदम अच्छी तरह से उबले हुए आलूओं को छील लेंगे। इसी तरह से हमें सारे आलूओं को छील लेना है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आपको और आपके बच्चों लोग को भी बहुत ही पसंद आएगी। आप चाहे तो इन्हें इसे टिफ़िन में और बच्चों को टिफ़िन में स्कूल के लिए, और अपने हस्बैंड को आप ऑफिस के लिए लंच में भी दे सकते हैं। अगर आप एक बार इस रेसिपी को बना लेते हैं तो आपके बच्चे इसे रोज़ बनाने के लिए कहेंगे, इतनी अच्छी लगती है। क्योंकि मैंने जब बनाई तो मेरे बच्चों को, मेरे घर में सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने चार आलूओं को उबाल लिया। उबालने के बाद उसे हम कद्दूकस कर लेंगे। उसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, हल्की सी हल्दी डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देंगे, और चाट मसाला डालेंगे, और इसके बाद हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा हम इसमें सब्जी मसाला डालेंगे ताकि खुशबू बहुत अच्छी आने लगे। और उसके बाद हम इसे एकदम, ये मैंने इसमें डाला ऊपर से भुंजा हुआ जीरा और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, पूरा एकदम अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है ताकि पूरे आलूओं में सारा जितना भी मसाला हो एकदम अच्छी तरह से पूरा मसाला उसमें मिक्स हो जाए पूरा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। तो हमें इसको आटे का ही बनाना है, मैदे से मत बनाइएगा, क्योंकि आटे से ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप चाहे तो इसमें आधा आटा और आधा मैदा मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम देखो चालते हैं तो हमारे कटोरे से बाहर आटा नहीं जाता है। आप किसी भी चीज़ में आटा ले लीजिए और उसको छन्नी में पलट के इस तरह से घुमाएंगे तो आटा हमारे कटोरे में ही एकदम अच्छी तरह से गिरेगा और ज़्यादा कटोरे से बाहर इधर उधर नहीं फैलेगा। तो देखिए, हमने आटा इसमें डाला और उसके बाद हम इसे आलू में एकदम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करना पड़े। तो हम आलूओं को आटे में इस तरह से मिक्स करेंगे कि जिस तरह से हम मोयन करते हैं उस तरह से हमें आलू को, आटे को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आप चाहें तो इसे आप, है ना, दूध से भी सान सकते हैं। तो हम इसे पानी से ही सानेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें अब पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसे सख्त, एकदम पूड़ी का आटा एकदम सख्त हमें इसे लगा लेना है। बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा इसे नरम भी नहीं करना है। जिस तरह से पूड़ी का आटा होता है उसी तरह से हमें करना है। तो सख्त हो जाएगा तो चल जाएगा, मगर गीला नहीं होना चाहिए आटा। तो देखिए, हमने इतना सख्त आटा लगा लिया है। अब हम इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये एकदम अच्छे से अंदर तरफ एकदम अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद हम इसे एकदम अच्छी तरह से इस पे मसल मसल के एकदम चिकना कर लेंगे। उसके बाद हमें जितनी बड़ी पूड़ी बनानी है उस हिसाब से आप इसे लोई ले और उसके बाद इसे बेले। तो मैंने छोटे छोटे लोई बना लिए हैं और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। अपने जितना बड़ा बेलना है उस हिसाब से आप बेल ले। अब ये है ना आलू की पूड़ी है, इसके लिए देखो किनारी किनारी से इस तरह से चटक जाती है। तो मैंने इसे क्या किया, बड़ी सी रोटी बेल ली और उसके बाद बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और उसके बाद इसे किसी भी डब्बे के ढक्कन से इसे हम कट कर लेंगे। तो मैंने जितनी बड़ी पूड़ी चाहिए उस हिसाब से उतना बड़ा ढक्कन लिया और उसे कट कर लिया। तो मेरी सारी पूड़ियाँ एक ही नाप की हो गई है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है कि बड़ी सी रोटी बना और उसके बाद
कोई भी ढक्कन और कोई भी नाप ले लो उस हिसाब से, जैसे गिलास से बना सकते हैं, कोई कटोरी से बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का ढक्कन लीजिए आप और उसे उसी नाप से काट लीजिए ताकि आपकी सारी पूड़ियाँ एक ही नाप की हो। उसके बाद हम तेल लेंगे तो तेल में जिस तरह से हम पूड़ी को तलते हैं उसी तरह से हम तलेंगे। अगर आपको नरम पूड़ी चाहिए तो आप एकदम तेज आंच पे इसे तलेंगे। अगर आपको इस पूड़ी को थोड़ा सा क्रिस्पी बनाना है तो आप इसे पहले तेज आंच पे करें और जब यह फूल जाए तो उसके बाद आप इसे मीडियम आंच पे थोड़ी देर के लिए ऊपर नीचे पकाएंगे तो ये एकदम क्रिस्पी और एकदम कुरकुरी पूड़ी हो जाएगी। तो हमें तो भैया बनाना है एकदम से सादी, तो इसके लिए मैंने तेज आंच पे इसे बनाया है। और आप देखेंगे कि कोई भी पूड़ी ऐसी नहीं है जो फूलेगी नहीं, सारी की सारी पूड़ियाँ फूलने वाली है। आप इस पूड़ी को छोले के साथ में भी खा सकते हैं, ये पूरा के पूरा एकदम भटूरे की तरह है और उसका स्वाद भी इसी तरह होता है। तो उसके बाद हम इसे तल लेंगे और तलने के बाद निकाल लेंगे। आप चाहे तो जब छोला बनाए तो भटूरे की जगह पे इस पूड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो साइज़ में थोड़ी सी पूड़ी को बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने अपने लड़की को लंच बॉक्स में देने के लिए बनाया था, इसीलिए मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ ही तली थी। आप कोई भी आकार की पूड़ी तल सकते हैं। तो देखिए हमारे आलू की पूड़ी इतनी अच्छी और इतनी मस्त बन के तैयार हो गई है। आप एक बार बनाएंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि आपको इसे बार बार बनाना चाहिए, क्योंकि घर में सभी को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय।